श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी पीजी कॉलेज रुद्रपुर खजनी में बीएड में अधीनरत अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छात्र छात्राओं ने छात्रवृत्ति न मिलने के विरोध में शनिवार को जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। छात्र और छात्राओं का कहना था कि फीस प्रतिपूर्ति हेतु हम लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन इस महाविद्यालय में इस सत्र में छात्रवृत्ति नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में हम छात्र छात्राओं के आगे पठन पाठन करना असंभव हो गया है। इस दौरान कुमारी मनीषा, कुमारी दिव्या, कुमारी पुष्पलता, कुमारी नूतन पासवान, कुमारी सपना, कुमारी कौशल्या, कुमारी सरिता कन्नौजिया, निशु, पूजा, मंजू, ममता समेत दर्जन छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्रा ममता और छात्र कौशल किशोर ने कहा, जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारी छात्रवृत्ति वापस करो, वापस करो, वापस करो। कुमारी ममता, हम लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आया, इसीलिए हम लोग आए हैं। हम लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है, इसीलिए हम लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है। हम लोग डीएम कार्यालय पर आए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? कि हम लोगों की स्कॉलरशिप आ जाए, हम लोग आगे की पढ़ाई पूरी करें, क्योंकि हमारे मम्मी पापा बहुत मजबूरी हैं, दूसरे के ऊपर करके हम लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं। हम लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, इसके आगे हम लोग कैसे पढ़ेंगे जब हमें स्कॉलरशिप नहीं आएगा तब। हाँ, हम लोगों की टीचर मांग रहे हैं, हम लोगों की पूरी फीस जमा हम लोग कहाँ से करेंगे? जी, मेरा नाम कौशल किशोर। सर, हम लोग इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं कि स्कॉलरशिप और शुल्क पूर्ति हम लोगों को दी नहीं जा रही है। पिछले वर्ष जो आज तक लोग आ रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, उनको शुल्क पूर्ति दी जा रही है ताकि वो पढ़ाई को अपने को आगे चला सकें, लेकिन शुल्क पूर्ति और छात्रवृत्ति ना मिलने के कारण हम लोग की पढ़ाई जो है अवरुद्ध हो जा रही है, क्योंकि हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं कि फीस जमा कर दें, अपने घर से जमा कर दें। और जब सरकार देती है शुल्क पूर्ति तो उसी से हम लोग पढ़ते हैं। सरकार की जायत होता है कि एससी एसटी वर्ग के स्कॉलरशिप दे और शुल्क पूर्ति दे ताकि वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रख सकें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो फीस को एफर्ट करके दे सकें।